हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर अगेन वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस। तो इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, जैसे कि हम लोगों ने क्या सीखा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर सीखा। ओके, और उस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बहुत सारे क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, मतलब कुछ कमियाँ थे, जिसके वजह से विद द हेल्प ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर we cannot explain the shape, geometry. Okay, कोई भी एक एलिमेंट का शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, ये सब हम लोगों को बोलने में क्या होता है, दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, और सिंपली वी आर अनेबल टू से कॉमेंट अबाउट दिस थिंग्स। इसलिए इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए दो साइंटिस्ट, एक था पॉलिंग, ठीक है, और एक थे स्टेलर, इन दोनों ने मिल के एक नया थ्योरी जनरेट किया, मतलब लेके आया हम लोगों के लिए, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सिंपली व्हाट कैन वी से बीबीटी, फेमसली नोन एज बीबीटी। ओके, तो मेनली ये थ्योरी किसके बारे में है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस थ्योरी प्योरली डील्स विथ कोवेलेंस बॉन्ड। ओके, और सिंपली व्हाट कैन यू से, मतलब ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप के वजह से कैसे बॉन्ड फॉर्म्स होता है, उसके बारे में ये थ्योरी डील करता है, ठीक है। तो इसलिए बिफोर यू स्टार्ट, यू हैव टू नो, यू हैव टू सम बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज ऑर्बिटल एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड उन लोगों का शेप कैसा होता है। और मैंने आई होप आप सब लोगों को ऑर्बिटल के बारे में कुछ ना कुछ आता ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में हम लोग क्या सीखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर जेईई नीट एंड सी पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो इस वीडियो को अच्छे से देखना है और एंड तक देखना है, और सिर्फ देखने से नहीं होगा, देखने के साथ साथ लिखना भी होगा। चलिए, तो व्हाट इज दिस थ्योरी अबाउट, ये थ्योरी क्या होता है, ये हम लोग अभी पॉइंट वाइज लिखेंगे। ओके, तो चलिए ये फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस थ्योरी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of atomic orbital. So atom should come वेरी क्लोज, ठीक है, मतलब दो एटम का ऑर्बिटल ओवरलैप होना पड़ेगा, और ओवरलैप होने के लिए दो एटम को क्या आना पड़ेगा, पास में आना पड़ेगा, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू ओवरलैप देयर ऑर्बिटल। हम लोग अभी ये स्टेटमेंट निकलेंगे, स्टेटमेंट में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको ये ईजी लग जाएगा। चलिए स्टेप नंबर टू, व्हाट इज Only half filled orbitals with electron of opposite spin overlap, मतलब क्या होता है, सपोज एक 1s orbital है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ए भी एक 1s ऑर्बिटल है, और इसमें ये ऐसा वाला स्पिन का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का बीच में ही ओनली क्या है, ओवरलैप पॉसिबल है, ठीक है। अगर सेम ओरिएंटेशन का होगा तो उन लोगों का, सेम स्पिन का होगा तो उन लोगों का ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। तो ये है पॉइंट नंबर थ्री, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और ये पॉइंट आपको बुक में दिखने को नहीं मिलेगा, क्या है, ओवरलैपिंग must be less than 50%
50%, मतलब सपोज ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, इन दोनों का पूरा 100% ओवरलैप नहीं होना का, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा करके ओवरलैप होना पड़ेगा, ठीक है, लेस देन 50%, देन ओनली इट विल फॉर्म ए बॉन्ड। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। तो आई थिंक सबको ये लिखना हो गया। चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 4 लिखते हैं, 4 के और क्या है पॉइंट नंबर 4, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स द स्ट्रेंथ, डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, और लकीली दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक बॉन्ड कितना ज़्यादा क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा वो कौन डिसाइड करेगा, कितना एक्सटेंड में ये ओवरलैप हुआ है। तो व्हाट कैन यू राइट, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग लैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है, और सिंपली बॉन्ड एनर्जी, सिंपली व्हाट कैन यू से, बॉन्ड एनर्जी, जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी ओवरलैप होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। और हम लोगों ने लास्ट लेसन में सीखा जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है मतलब उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट से यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट अबाउट व्हाट बॉन्ड एनर्जी, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट अबाउट बॉन्ड लेंथ, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज पॉइंट नंबर 5, देयर इज टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग आर पॉसिबल, ओनली टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग्स आर पॉसिबल, क्या क्या होता है वो ओवरलैपिंग, एक होता है जैसे एक होता है एक्सियल, कैसा ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद में एग्जांपल लेके दिखाएंगे, ठीक है। और इस एक्सियल ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैप होता है दैट इज ओवरलैपिंग। और इसको हम और ऐसा टाइप का ओवरलैप के वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, उस टाइप का बॉन्ड को क्या कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा इज जनरेटेड बाय दिस, इसको क्या कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, मतलब व्हाट कैन यू से बाय एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। और सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं दो टाइप का बॉन्ड ही होगा, ये भी देख लेते हैं, एक होता है आपका पैरालेल, कैसा टाइप का पैरालेल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, और इसको हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोल सकते क्या, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, और ऑल्सो वी कैन कंसिडर इट एज लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, ये क्या है मैं दिखाऊंगा आगे। तो मुझे बताइए ऐसे टाइप का ओवरलैपिंग होने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज पाई, सिंपल वर्ड पाई, पाई बॉन्ड्स। तो आज से याद रखना है कितना टाइप का ओवरलैप हो सकता है, दो टाइप का ओवरलैप, एक होगा एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होगा पैरेलल और साइडवाइज और लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से कैसे टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड, और लेटरल ओवरलैपिंग से कैसे टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी अ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 5, आई थिंक सब लोगों ने लिख लिया। चलिए अभी हम लोग पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है, द ओवरलैपिंग, ये पॉइंट आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन डोंट नीड टू वरी, आगे आगे हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स
मस्ट हैव सेम साइन, सेम साइन। ठीक है, मतलब क्या है देखो, ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल व्हाट इज ए ऑर्बिटल, जैसे ऑर्बिटल एक क्या होता है, प्लेस होता है जहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आया सबको, मतलब ऑर्बिटल इज ए प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन एक वेव होता है, इलेक्ट्रॉन नथिंग बट देयर सम वेव। तो वेव को एक जगह आगे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, वेव तो भागते रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक वेव का क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा करके होगा। ठीक है, तो सपोज हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, सबको पता है पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डब बेल शेप होता है, दिस इज पी ऑर्बिटल। ओके, और पी का क्या होता है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, थ्री एक्सिस रहता है। सपोज मैंने मान लिया ये पी एक्स एक्सिस का है और अनदर ऑर्बिटल ये भी क्या है, पी एक्स ही है। ओके, तो इन लोगों का भी इसमें ओवरलैप कब पॉसिबल होगा, मतलब ये पॉजिटिव साइड ये पॉजिटिव साइड, मतलब इन दोनों का बीच में ओवरलैप पॉसिबल होगा, मतलब ये प्लस प्लस के साइड ही ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ठीक है, हो गया। और क्या हो सकता है, मतलब ऐसे करके ये एक ऑर्बिटल है और हम लोग मान लेते हैं ये भी एक ऑर्बिटल है, ये नेगेटिव नेगेटिव, इन दोनों का बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग पॉसिबल है। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का बीच में क्या नहीं हो सकता है, अगर ऑपोजिट साइन होगा तो उन लोगों का बीच में ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, तो फिर अभी हम लोग इन डिटेल्स इन दोनों ओवरलैप को, ओवरलैपिंग को एक एक करके देखेंगे। चलिए, तो कितना टाइप का ओवरलैपिंग्स था, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ओवरलैपिंग क्या है, द फर्स्ट ओवरलैपिंग वाज एक्सियल, और इसको हम लोग क्या बोला था, हेड ऑन, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और ऐसा टाइप का ओवरलैपिंग से कैसा टाइप का बॉन्ड फॉर्म हुआ था, ओनली सिग्मा बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड, क्या बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो भी हम लोग देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कब और कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है। ठीक है, रेडी, चलो सपोज मान लो ये क्या है, एस ऑर्बिटल है, सबको पता है एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, और ये और एक क्या है, एस ऑर्बिटल है, मतलब ओवरलैपिंग बिटवीन टू एस ऑर्बिटल हम लोग देखेंगे, ओवरलैपिंग बिटवीन, यू कैन राइट ओवरलैपिंग, लैपिंग बिटवीन टू एस ऑर्बिटल्स। चलो ये मान लिया पॉजिटिव साइड, ओके, तो इन दोनों का बीच में कैसा टाइप का ओवरलैप का पॉसिबल है, हेड ऑन ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप, और दैट अनदर वन दैट इज व्हाट, पैरेलल ओवरलैप। देखो ये जो एस ऑर्बिटल होता है ना, ये एस ऑर्बिटल क्या होता है, दे आर नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, व्हाट राइट, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, मतलब ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, मतलब इसको जैसा जैसा वाला साइड में इसे देखोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग, मतलब इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसलिए इन लोगों का बीच में ओनली एक टाइप का ओवरलैप का ओवरलैपिंग क्या है, पॉसिबिलिटी से, कैसा टाइप का, मतलब ऐसा एक्सियल टाइप का, आई थिंक यू गॉट। तो ये जो ओवरलैप हो गया, ठीक है, तो इस ओवरलैप को क्या बोलेगा, एस एस ओवरलैप, और ये एस एस ओवरलैप से कैसा टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, तो नोट लिख के, नोट लगा के लिख के रखो, क्या, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म ए पाई बॉन्ड, क्यों, क्योंकि दिस इज द रीजन, एस
ऑर्बिटल इज़ नॉन डायरेक्शनल एंड स्फेरिकली सिमेट्रिक, इसलिए इन लोगों को बीच में ओनली एक्सियल और हेड एंड ओवरलैपिंग ही पॉसिबल है। तो अगर एस के साथ पी के, एस के साथ डी के कोई भी मतलब ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा तो एस आर एफ का ओवरलैपिंग हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, नॉट पाई वन। हो गया लिखा। चलिए फिर हम लोग इसके एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन फॉर्मेशन, हाइड्रोजन कैसे फॉर्म होता है। देखो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s1, इसका भी क्या होगा 1s1। तो ये से बॉक्स में हम लोगों को सबको बताया एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या होना पड़ेगा। देखो इसको ऐसे देने से नहीं होगा, इसको कैसा लेना पड़ेगा, अपोजिट स्पिन का लेना पड़ेगा। मैंने एक पॉइंट में लिख के रखा, कैसा स्पिन का होना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 2, अपोजिट स्पिन, तभी उन लोगों का बीच में क्या होगा, पॉसिबिलिटीज बॉन्ड ओवरलैप पॉसिबल है। ओके मैं इसलिए मैं ये जानबूझ करके क्या ले लिया, अपोजिट स्पिन का ले लिया और आप लोगों को भी अपोजिट स्पिन में लेना पड़ेगा। ये सब मतलब कन्वेंशनल रूल है, ऐसा कोई मतलब बुक में लिखा नहीं है, बट यू हैव टू डू दिस, ऐसा करके किया जाता है। ओके तो ये हो गया हाइड्रोजन, इसमें कैसा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल, और एक हाइड्रोजन है इसमें क्या है, ओनली सपोज इसमें ऐसा टाइप का एक इलेक्ट्रॉन है ओरिएंटेशन का और इसमें ऐसा ओरिएंटेशन का है। ओके तो व्हेन दिस टू ओवरलैप विल कम क्लोज, ये दोनों जब कम क्लोज आएगा तो उसके बीच ऐसा टाइप का ओवरलैप हो जाएगा और दे विल फॉर्म, आपको को पता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग ने सीखा था, ऐसा करके बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये बॉन्ड कैसा टाइप का बॉन्ड, 1s और 1s का बीच का बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली दिस इज ए सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग से हुआ है और s ऑर्बिटल का बीच से हुआ है। हो गया, समझ में आ गया सबको। चलो अभी हम लोग नंबर बी देखेंगे, किसका किसका ओवरलैप, एस एन पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग। ओके चलो तो एस ऑर्बिटल कैसा है, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल और पी ऑर्बिटल कैसा होता है, पी ऑर्बिटल इज ए डम्बल शेप, आई थिंक सबको पता है। ओके तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ये भी ऑब्वियसली कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा, तो अभी उन लोगों का बीच में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग हो सकता है। और ये कैसा टाइप का ओवरलैपिंग हुआ, एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ, ठीक है, इसलिए ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा एस और पी के बीच में, दोनों दो इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, सपोज ये ऐसा वाला ये ऐसा वाला ले लिया, ठीक है, तो दिस विल बी ऑल्सो ए सिग्मा बॉन्ड, इट विल बी नॉट बी ए पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, सपोज एच एफ का एग्जाम्पल ले लीजिए, एच एफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हो गया हाइड्रोजन, सपोज ये ले लिया हम लोग फ्लोरिन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s1 और फ्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p5। तो अभी हम लोग इसको ऐसा करके रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा वाला स्पिन का, ठीक है, और ये हम लोग अब ये दिस टू को हम लोग दिखाएंगे, सपोज ये हो गया 2s, ये तो फिलाफ है, इसके साथ तो ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, जो हाफ फिल है उसके साथ ही क्या होगा, पॉसिबल होगा, ये होगा 1, 2, ये वाला हम लोग अपोजिट स्पिन का लेंगे जानबूझ करके, तो अभी क्या होगा, ओवरलैप होगा। ओके हो गया, चलो तो ये क्या है 1s और ये क्या है 2p, ये हो गया 2px, ये हो गया 2py और ये हो गया 2pz, हम लोग को पता है सबको P का क्या होता है, px, py एंड pz, तो ये ओवरलैप किस किस के बीच में होगा, दिस ओवरलैपिंग विल टेक प्लेस बिटवीन 1s एंड दिस 2p और 2p का कौन सा 2pz, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये हो गया s, ऊपर में लिखते हैं, ये हो गया s और ये हो गया p, ठीक है, और कौन सा वाला p, 2pz और ये क्या है 1s। ओके तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इट विल बी, इट विल बी ऑल्सो
सिग्मा बॉन्ड, मतलब कैसा रहेगा सिग्मा बॉन्ड, वन एस एंड टू पी का बीच का ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये एच एफ का हम लोगों ने देखा, तो एच सी एल का भी सेम होगा, एच बी आर का भी सेम होगा, एच आई का भी क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन क्या आप लोग बता सकते हैं इन लोगों का भी इसमें कौन सा ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा? तो ऑब्वियसली हम लोग ने क्या देखा, हाइड्रोजन में तो एस सी है, और फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में कौन सा ऑर्बिटल लेता है, टू पी। ये भी क्या है, वन एस, फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में कौन सा ऑर्बिटल, थ्री पी, इसमें कौन सा ऑर्बिटल, फोर पी, और इसमें फाइव पी। मतलब इसका वन एस टू पी का ओवरलैपिंग, और सपोज एच बी आर का वन एस फोर पी का ओवरलैपिंग। तो क्या मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, व्हाट इज द क्वेश्चन, हुईज बॉन्ड, ये तीन चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो मेरा क्वेश्चन है, हुईज बॉन्ड हैज मोर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। आपको मैंने थोड़ा देर पहले एक पॉइंट में लिखाया था, अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो क्या होगा, ये डिपेंड्स ऑन आंसर, मैं बता देता हूँ। मतलब ये जो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन, मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन एन, एन डिपेंड्स ऑन एन। एन क्या होता है, एन इज नथिंग बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबको पता है एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सिंपली द पीरियड है कि नहीं। ओके, मतलब एन जिसका जितना कम होगा वो इतना क्या होगा, क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा, क्लोज टू न्यूक्लियस। ठीक है, लेस द वैल्यू ऑफ एन, ओके, मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जितना क्लोज में होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कितना होगा, उतना ज़्यादा होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, और उसका बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबको ये पॉइंट आज से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन में सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, यस ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, वन एस एंड टू पी का, ये दोनों क्या है, नज़दीक है, और ये वन एस एंड फाइव पी, ये जो क्लोजनेस ये बहुत ही दूर में है। तो इन लोगों का क्या होगा, बॉन्ड लेंथ, ये हो गया बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड, बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड एनर्जी का होगा तो क्या होगा, सपोज बॉन्ड एनर्जी का पूछ दिया तो क्या होगा, ऑपोजिट, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ये क्या हो गया, इसका क्लोज नहीं होगा, ये सबसे छोटा होगा, मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी, ये किसका था, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड ऐसा होगा। ठीक है, ये दोनों क्लोज में है तो इन लोगों का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, इन लोगों का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, हम लोग ने पढ़ के रखा ये बात, आई थिंक यू गॉट इट। तो बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड लास्ट में एच आई। तो बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, इसका ऑपोजिट, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड लास्ट में क्या होगा, एच आई, हो गया। चलो, तो ये था एस पी ओवरलैपिंग। अभी हम लोग नंबर सी में देखेंगे पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, पी पी ओवरलैपिंग, तो क्या है, सपोज एक पी ऑर्बिटल है, ये है पॉजिटिव, और ए भी एक पी ऑर्बिटल है, ये भी पॉजिटिव। तो इन दोनों अगर क्लोज आ गया तो इन दोनों का ओवरलैपिंग के बीच में सपोज ऐसा टाइप का एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, ओवरलैप हो के, मतलब ऐसे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो गया। तो ये कैसा टाइप का ओवरलैप हो जाएगा, पी पी ओवरलैप, और ये भी कैसा टाइप का ओवरलैप हो गया, एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब ये क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, नॉट पाई बॉन्ड। लेकिन आप लोगों को एक बात याद रखना है, वो हम लोग थोड़ा देर बाद में देखेंगे, दिस पाई बॉन्ड कैन ऑल्सो फॉर्म, दिस पी ऑर्बिटल कैन ऑल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड, मतलब इन दोनों ऐसा करके, और यू कैन सिंपली ऐसा करके भी दिखा सकते हो, ऐसा टाइप का ओवरलैपिंग होने के बाद भी दे विल फॉर्म अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज व्हाट, पाई बॉन्ड। मतलब ये लेकिन एक्सियल नहीं है, ये कैसा हो गया, ये लेटरल ओवरलैपिंग के बीच में हो गया, ऐसा टाइप
इस टाइप का ओवरलैपिंग के बाद में जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी व्हाट, नॉट सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। चलो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं इसको अच्छे से। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज Bf3 बोरॉन टाई फ्लोराइड। इसमें बोरॉन कितना है एक, और फ्लोरीन कितना है एक दो, ये हो गया तीन। ठीक है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, हम लोग लास्ट में लिखेंगे क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p1, 5 होता है, इन लोगों का कितना होता है 9, मतलब 1s2, 2s2, 2p5, इसका भी क्या होगा 2p5 होगा, इसका भी क्या होगा 2p5 ही होगा, सेम ही है कि नहीं। ओके, अगर इसका हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें जो p है 2p, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और लेकिन p तो कैसा होता है, ऐसा करके है एक दो तीन, और इसका s में कितना है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, और इसमें देखेंगे जो p में ओनली 1, 2, सपोज इसको मैंने ऑपोजिट करके लिया, ठीक है, इसका भी हम लोग क्या करते हैं और भी अपोजिट कर लेते हैं, एक इसको दो तीन, ये हो गया चार। इसका भी हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, 1, 2, 3, इसको ऐसे करो 4, ये हो गया 5, मतलब दिस इज PX, PY, PZ, PX, PY एंड PZ, PX, PY एंड PZ। ओके, तो नॉर्मली देखो इसमें कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे करके तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, दिस इज पॉजिट, इज इट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए बोरॉन को क्या करा, क्या जाएगा, एक्साइटेड किया जाएगा, मतलब फास्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होके यहाँ पे लेके आएगा। ओके, एनर्जी गेन करने के बाद हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो तब क्या होगा, ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया 2s, ये हो गया 2px, 2py, ठीक है। तो ऐसा हो जाने के बाद इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3, और इसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें भी यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये एस और ये पी के साथ ओवरलैप करेंगे, ये पी और पी के साथ एक ओवरलैप करेंगे, और ये इसके साथ एक ओवरलैप करेंगे, तो उसके बाद आपको अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ किया होंगे तो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा टाइप का इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसमें इसमें आपको कैसा तरीके से ओवरलैपिंग होगा, ये मतलब तीनों सिग्मा बॉन्ड ही होगा, तीनों सिग्मा बॉन्ड होगा, है कि नहीं, तीनों सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, तो एक कैसा सिग्मा बॉन्ड, 2s, और सपोज यहाँ से कर देखे जाते 2s और 2pz के साथ ये होगा 2p, और इसे इसके साथ, और ये हो गया इसके साथ, मतलब जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसके उसके साथ इन लोगों का ओवरलैप होगा। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं देखा है, और इतना आपको चाहिए भी नहीं, जस्ट इसको आप याद रखना है, मतलब तो आप तो पूछ सकते हो सर ये तो पी पी हो गया ना, पी पा पी पी के बीच में तो पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड क्यों देखे हैं, तो इसलिए आप लोग नोट लगा के लिख के रखिए, क्या है नोट लगा, क्या लिखना है, नोट लगा के नीचे लिखना है, मेरे नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जो फास्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, कोई भी एटम का बीच में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होना पड़ेगा, उसके बाद ही पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है, आगे समझ में टफ लग रहा है क्या, जी नहीं, ओके चलो। अभी ये था नंबर 1 टाइप का ओवरलैपिंग, अभी हम लोग नंबर 2 टाइप का ओवरलैपिंग देखेंगे, वो क्या था, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और
पैरालेल ओवर लैपिंग, ठीक है, साइडवाइज और पैरालेल ओवर लैपिंग। तो ऐसा टाइप का ओवर लैपिंग से कैसा टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है, हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यस कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। ओनली कौन कर सकता है? पी एंड डी कर सकते हैं। हम लोग आज ओनली पी का ही देखेंगे, मतलब ये पी है ए, और सपोज ए बी और एक पी है, ठीक है, दोनों सेम साइन का है, ये भी सेम साइन का है। तो ये दोनों अगर क्लोजर क्लोज आ गया तो इन लोगों का बीच में क्या होगा? ओवरलैप होगा। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है इसलिए, ज़्यादा अच्छा नहीं भी हो रहा है इसलिए, डोंट नीड टू वरी, आपको जस्ट सीखना है। ये क्या होगा? ओवरलैप हो गया। तो ऐसे टाइप का ओवरलैप कैसा ओवरलैप बोलेगा इसको? पी पाई बोन, ठीक है, पी पाई बोन, क्योंकि ये दो पी और पी ऑर्बिटल का पैरेलल ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना है नोट लगा के, मतलब पाई बॉन्ड कब कौन सा ऑर्बिटल का ओवरलैप से फॉर्म हो सकता है? एक होता है पी पाई ओवरलैपिंग, मतलब दो पी ऑर्बिटल का ओवरलैप से हो सकता है, एक पी और एक डी ऑर्बिटल का ओवरलैप से हो सकता है, एक डी पाई ओवरलैप से पॉसिबल है। हम लोग आज यही देखा, लेकिन अपकमिंग लेसन में मैं ये पी पाई और डी पाई भी आप लोगों को दिखाएंगे। आज के लेसन में ओनली दिस पी पाई एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पी पाई ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल में मैंने सपोज ले लिया ऑक्सीजन। तो सबको पता है ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड रहता है। और मैंने क्या बताया, जो पहला बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद में जो बॉन्ड, मतलब दो एटम के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी हमेशा सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा दैट विल बी व्हाट? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। सपोज ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p4। इसको भी 1s2, 2s2, 2p4। मतलब अगर हम लोग ओनली पाई पी का रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ए हो गया 2px, 2py, 2pz, इसमें भी ओनली 2p का देखते हैं, सपोज एक दो 2px, 2py, 2pz, ओके। तो कितना इलेक्ट्रॉन है पाई में? पी में एक दो, ये हो गया तीन चार, तो इसमें क्या देंगे? एक दो तीन ये चार, ये दोनों में जानबूझकर का अपोजिट स्पिन ले लिया, क्योंकि कोई भी स्पिन में हो सकता है, लेकिन एक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए हमेशा क्या होना पड़ेगा? अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉनिक काम क्लोज आना पड़ेगा। तो हम लोग किसका किसका भी इसमें ओवरलैप करेंगे आपको देख लो, कि देख के बोल सकते हो, इसका 2p और 2pz के साथ, इसका 2py, इसका 2py के साथ, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ, इसमें दिखाता है। सपोज ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये एक ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये सपोज 2py, ये है इसका 2py, ओके, ये 2py, ये हो गया 2py ऑर्बिटल। तो इन लोगों का बीच में क्या होगा? ऐसा टाइप का एक ओवरलैप होगा, ठीक है, एक ओवरलैप होगा। लेकिन ये पहले नहीं होगा, पहले सबसे पहले क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो लेगा, मतलब ये सपोज टू, ये आप देखिए सपोज 2pz है और ये इसका 2pz है, इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके शेयर होके एक क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड पहले फॉर्म होगा, उसके बाद ही ऐसा करके एक्सटर्नल में एक्सियल ओवरलैपिंग होके 2p और 2p के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट विल बी ए पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन हो गया।
अभी आप लोग खुद घर में एज ए होमवर्क नाइट्रोजन का ओवरलैपिंग आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। सपोज ये एक नाइट्रोजन होए और ये एक इसका है, तो इन दोनों के बीच में ऐसा करके सपोज 2PZ और इसका 2PZ, मतलब नाइट्रोजन क्या आपको ऐसा करके 3 क्या मिलेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा दोनों का, ठीक है। तो ऐसे और इसको भी आप लोग 2PY, इसका 2PY का क्या कर सकते हैं, 2PY और 2PY का आप लोग ऐसे करके ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आ गया, टू सपोज ये एक्स का है ना, 2PX, इसका ओवरलैपिंग आप कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, ऐसा करके एक्स एक्सिस ले लीजिए, इससे करके एक एक्स एक्सिस ले लीजिए, एक ओवरलैपिंग नीचे होगा और एक ओवरलैपिंग ऐसे करके ऊपर में होगा, ठीक है। तो दिस वाज द ओवरलैपिंग ऑफ नाइट्रोजन। तो आप लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। देखिए जो फास्ट बॉन्ड होता है ये ऐसा करके ये क्या है, पाई सिग्मा बॉन्ड, लेकिन उसके बाद जो दो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी हमेशा क्या है, सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस लेसन को खत्म कर देंगे। तो व्हाट इज क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग। सो सबसे पहले लेते हैं सपोज वाटर, उसके बाद NH3 देखते हैं, उसके बाद C2H4 में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद CH3 COOH में देखेंगे, उसके बाद SO3, उसके बाद H2SO4। इसके लिए आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जरूरी आना पड़ेगा, ओके। तो इसका वाटर का ऐसा था लेविस डॉट स्ट्रक्चर, NH3 का आप लोग को पता है सबको ऐसा है, और C2H2, सपोज C2H2 लेते हैं, इसमें कैसा है, कार्बन सिंगल सिंगल है कि नहीं, ओके। तो इसका कैसा होता है, एक कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड, इतना तो सबको आना ही पड़ेगा तभी तो होगा। मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी लेविस डॉट स्ट्रक्चर सिखा के रखा है। तो ये होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का, और ये स्टोसोबोर का तो मैंने बहुत बार सिखाया आपको, ठीक है। चलो अभी काउंट करो किसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है, ओके। जो फास्ट बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसमें एक दो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड। इज देर एनी पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है ना, नो, मतलब नो पाई बॉन्ड। इसमें देखो 1 2 3, मतलब एटम का बीच में ये सब क्या है, फास्ट नंबर ऑफ बॉन्ड, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3। तो इसमें काउंट करो 1 2 3, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 है, लेकिन 1 2 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, मतलब ये दोनों क्या है, पाई बॉन्ड होगा। तो इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 7, मतलब 7 ही सिग्मा बॉन्ड, लेकिन एक्स्ट्रा बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब कितना है, 1, मतलब एक ही क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें काउंट करो सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा 1 2 3, मतलब 3 हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, तो ये हो गया 3 पाई बॉन्ड। तो इसमें भी काउंट करके देख सकते हो क्या मिलेगा, 2 पाई बॉन्ड मिलेगा और 6 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, हो गया। चलो तो और भी एक न्यूमेरिकल करो, सपोज ये IIT JEE में आ चुका है क्वेश्चन, इसमें यू हैव टू कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड CCN4। तो इसका स्ट्रक्चर, एक कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ACN हो गया और ये CN हो गया। ये सब स्ट्रक्चर आपको आगे आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे तो अब ये ड्रॉ करना आ जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अभी इजीली काउंट कर सकते हो, इसमें एक टोटल कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 9 सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितना है,
इसमें है दो, इसमें है दो, इसमें है एक, दो दो, तो टोटल टोटल मिला के कितना हो जाएगा, दिस विल बी 9 पाई बॉन्ड। तो आपको घर में C6H6 में काउंट करना है कितना सिग्मा बॉन्ड एंड कितना पाई बॉन्ड C6H6 में, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। ओके, तो अभी लास्ट में एक चीज़ हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन दिस सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस। तो ऑलरेडी आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, द सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, ओके, और हेड ऑन ओवरलैपिंग्स के होता था। लेकिन एक ऐसा वाला ओवरलैपिंग से साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग से होता था, लेटरल और साइज वाइज, ठीक है। और ये सिग्मा बॉन्ड कब कब फॉर्म होता है, एस एस ओवरलैपिंग के हो सकता है, एस और पी का ओवरलैपिंग से हो सकता था, पी पी ओवरलैपिंग से भी हो सकता है। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड कब कब होता है, पाई पाई, पाई टी और पाई डी डी ओवरलैपिंग से हो सकता है, ये दोनों हम लोग बाद में देखेंगे। और ये जो क्या है एस और मतलब सिग्मा बॉन्ड में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, इसमें ओवरलैपिंग इसमें ज़्यादा होता है, मतलब मोर, इसलिए ये जो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसलिए इन लोगों का बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, कम होगा, और ये ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। और इसका पूरा ऑपोजिट ही होगा, उल्टा, पूरा उल्टा ये हो जाएगा, ये आपको खुद लिख लेना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब कोई दो एटम के बीच में, मतलब ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म, कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, मतलब दो एटम के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, लेकिन इसमें वन और टू, इसमें टू दो भी क्या हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ये आपको खुद लिख के लेना है, ठीक है। और एक बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग क्या लिखिए, वो पॉइंट है मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कैन बी फॉर्म्ड एलॉन, मतलब सिग्मा बॉन्ड आप अकेले ही फॉर्म कर सकते हो, फॉर्म एलॉन, लेकिन एक पाई बॉन्ड आपको अकेले कभी फॉर्म नहीं हो सकता है, पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होना पड़ेगा, ओनली आफ्टर डैट ये पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ये आपको खुद लिख के लेना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिग्मा बॉन्ड में कोई रोटेशन पॉसिबल है, मतलब सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन इस पॉसिबल, ये आपको जेमेट्रिकल आइसोमरिज्म में काम देगा इन क्लास 11 में ही ऑर्गेनिक में, ठीक है। और इसमें नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और यू कैन से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज पॉसिबल, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज ओनली पॉसिबल, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग क्या देखेंगे, पी पाई डी पाई और डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग के बारे में देखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, तो पढ़ते रहना और मन लगा के आगे बढ़ते रहना, बाय बाय।